नमस्कार श्रोता, आप देख रहे हो वॉइस ऑफ एमपी। इस वक्त में आपके साथ महक आइए बात करते हैं इस वक्त की खास अपडेट की। राजस्थान की 3 विधानसभा सीटों पर होने वाला उपचुनाव गहलोत सरकार के साथ भाजपा के लिए खासा चुनौतीपूर्ण है, जबकि सुजानगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर दोनों प्रमुख पार्टियों में सियासी हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि भाजपा या कांग्रेस लगातार कभी भी जीत दर्ज नहीं करा पाई है। अब तक कांग्रेस ने 6 तो भाजपा ने 4 बार इस सीट पर कब्जा किया है। वर्तमान में ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। कांग्रेस और भाजपा के अलावा सुजानगढ़ में 3 बार निर्दलीय, 1-1 बार जनसंघ और जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। कांग्रेस ने यहां से सहानुभूति कार्ड खेलते हुए मास्टर भंवरलाल मेघवाल के सुपुत्र मनोज मेघवाल पर दांव खेला है, जबकि भाजपा में कई दावेदारों ने ताल ठोक रखी है। मनोज मेघवाल वर्तमान सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल का लंबी बीमारी के बाद निधन होने के बाद सुजानगढ़ में उपचुनाव हो रहा है। कांग्रेस से मास्टर भंवरलाल मेघवाल के पुत्र एडवोकेट मनोज मेघवाल यहां से एकमात्र टिकट के प्रबल दावेदार हैं। यही नहीं, मनोज द्वारा 30 मार्च को नामांकन दाखिल करने का दावा भी किया जा रहा है। तो ये था हमारा अब तक का अपडेट। हर वक्त की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ वॉइस ऑफ एमपी पर। नमस्कार।